दोस्तों यहाँ पे एक गजब का एक बहुत बड़ा कमाल हो गया। 60 साल के उम्र में क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ, वो भी ICICI बैंक के 3 कार्ड। सोचने वाली बात है, और आप लोग भी सोचोगे कि भाई 60 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड तो मिलना बहुत मुश्किल है, कैसे? चलिए बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों बेटे ने अपने पिताजी के नाम पे क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस किया। पहले उसने मतलब कि FD करवाया, कुछ पे लेटर को इस्तेमाल किया और अपने सिविल को इम्प्रूव किया और ICICI बैंक में अकाउंट ओपन किया। इसके बाद कार्ड का भंडार लग गया, कार्ड मिलता गया और अच्छी खासी लिमिट, 1 लाख प्लस की लिमिट ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में मिल गया। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि 60 साल जो उम्र होता है वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गया। अब इस हालात में आदमी के पास मतलब कि कुछ लोग हैं बैंक की, अधिकतर जानती है कि अभी जॉब करने वाले नहीं है, पैसे नहीं आएगा, कैसे कार्ड को इश्यू कर दिया। मित्रों यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो बैंक के सिस्टम में एक होता है प्रोफाइल हिस्ट्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी से लेन देन कर रहे हैं, किसी NBFC कर रहे हैं या किसी अदर बैंक का भी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी उम्र 55 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, और एक अच्छे रिकॉर्ड अगर आप बना के रखते हैं तो बैंक फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। मैं बता दूं कि हमारे मतलब कि भाई के सर्वाइन हैं और उनके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई और मतलब कि 65 साल के उम्र में उनको बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया था, वो भी 1.5 लाख रुपए लिमिट के साथ। और मृत्यु से पहले उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च किया था, उस पैसे को निकाल के घर के काम में लिए और काम किए और मृत्यु हो गई। फिर बैंक ने क्या किया कि उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाया, और जब जाके पता लगा बैंक को कि भाई ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो बैंक ने बोला कि हम सारे इंटरेस्ट को माफ करते हैं और आपके पिताजी का अच्छा रिकॉर्ड था, ये कार्ड हम आपके नाम पे ट्रांसफर करवा देते हैं। उनके बेटे ने एग्री किया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफर करवा दो, जो पैसा बाकी है मैं पे करूंगा। आप सोचो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, बट बैंक ने पर्सनली ने मैनेजर ने इसके लिए रिक्वेस्ट डलवाया और एक काम हो गया। तो मित्रों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शिक्षा, एक सीख देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी आदतों को, अपने एक व्यवहार को बना के रखते हैं तो जिंदगी में कभी भी आप कहीं से आपको निराशी देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि जहां भी आप हाथ अपना रखोगे ना, वहां पे आपको बेनिफिट प्राप्त होगा और आपको वहां से लौट के वापस नहीं आना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो जनरेशन चल रहा है, आज के टाइमिंग की बात करूँ, लोग बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों को कोई कुछ मतलब नहीं है। क्या होता है क्रेडिट स्कोर होता है, क्या होता है सिविल स्कोर, क्या होता है व्यवहार, क्या होता है लेन देन, कुछ भी नहीं। मतलब कि अधिकतर लोग बिगड़ते जा रहे हैं। बट मित्रों मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आप बिगड़िए मत, अपने आप को मेंटेनेंस कीजिए, अपनी पहचान को, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाइए। आपकी उम्र कितनी क्यों ना हो जाए, बैंक आपका सपोर्ट करेगा, आपको आसानी से लोन क्रेडिट कार्ड देगा। और सेम कहानी यही हुआ हमारे व्यूअर्स के साथ, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल को, अपने रिकॉर्ड को अच्छा मेंटेनेंस किया, अच्छा बना के रखा और बैंक ने इस रिकॉर्ड के बिहाव पे इनको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। और 3 कार्ड है जो कि बहुत बड़ी बात है, लिमिट भी अलग है और साथ में इनको जो है किसी टाइप का दिक्कत भी नहीं है। और इनकी सिविल 770-80 के लमसम, इतनी अच्छी सिविल इनकी बन गई, FD करवाया, अकाउंट खोला। तो मित्रों इस वीडियो से आपको 2 सीख लेना जरूरी है। पहला सीख कि आप कभी निराश मत होना, दूसरा हमेशा अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना के रखो, लेन देन अपना व्यवहार खराब मत करो, आपको जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपने जाना और समझा, आप बताना जो मैंने आपको उदाहरण दिया कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।